हेलो दोस्तों, मेरी चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ नीति। आज हम जानेंगे वायरॉइड के बारे में, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं वायरॉइड क्या होते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट पैथोजन होते हैं जो कि मेनली प्लांट में डिसीज़ पैदा करते हैं। यहाँ पे पैथोजन मीन्स आप समझ लीजिए कि ये रोगजनक होते हैं। पैथोजन अगर आता है तो जान लीजिए कि कोई भी रोगजनक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, या फिर जीव है वो हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो वायरॉइड हैं वो स्मॉलेस्ट नोन पैथोजन होते हैं जो कि मेनली प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। हम यहाँ पे अगर देखें वायरॉइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा वायरस को। वायरस को जानने के बाद आप इजीली वायरॉइड को जान लेंगे। अगर वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक प्रोटीन का कोड पाया जाता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जिसे कि आरएनए कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाया जाएगा जो कि एक कोट है, बाहरी कोट, और अंदर में आरएनए पाया जाता है। बट यहाँ पे अगर वायरस के जो प्रोटीन का कोड है, ऊपरी कोड है, उसको निकाल देते हैं, वायरस को निगेट कर देते हैं, तब ये बन जाएगा हमारा वायरॉइड। वायरॉइड जो है उनमें प्रोटीन का लेयर नहीं पाया जाता, उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वे केवल आरएनए का एक टुकड़ा होता है, राउंड स्ट्रक्चर में होता है और इसे वायरॉइड कहा जाता है। वायरॉइड मतलब होता है नेकेड वायरस, ऐसा वायरस जिसमें कि ऊपर प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाए, केवल यहाँ पे सर्कुलर आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है और यही जो है वो पौधों में डिसीज़ का कारण बनता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल से कि कौन कौन से डिसीज़ जो हैं वो वायरॉइड की वजह से मेनली प्लांट में दिखाई पड़ते हैं। कुछ जो डिसीज़ हैं ऐसा माना जाता है जीवों में भी, इंसानों में भी होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा डिसीज़ होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, और इसी डिसीज़ से वायरॉइड की खोज हुई थी सन 1971 में। यहाँ पे देखा गया कि जो पोटैटो हैं वो राउंड, इनका जो ट्यूबर है वो राउंड ना होकर लंबे होते जा रहे हैं, लंबे दिखाई देते जा रहे हैं, और उन ट्यूबर का ग्रोथ भी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तब यहाँ पे जो हमारा वायरॉइड है उसकी खोज हुई थी। तो याद रखिए वायरॉइड की खोज कब हुई थी, 1971 में, और किस डिसीज़ के रूप में पहले देखा गया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जिसमें पोटैटो के जो ट्यूबर हैं वो राउंड होने की बजाय अपना जो एक्चुअल शेप है उसको बनाए रखने के बजाय यहाँ पे स्पिंडल या लंबे होते जा रहे थे और ग्रोथ भी इनका रुकता जा रहा था। सेकंड जो हमारा डिसीज है वो क्यूकम्बर में देखा जाता है, जिसमें जो क्यूकम्बर है उन वो पीले पड़ जाते हैं, पेल हो जाते हैं, और ये भी वायरॉइड की वजह से जो डिसीज है वो देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिसीज़ है उसे कहा जाता है सिट्रस एक्सोकॉटिस डिसीज़। इस डिसीज़ में प्लांट जो हैं उनमें यहाँ पे उन क्रैक होने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी जो बाहरी परतें हैं वो उखड़ने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा डिसीज़ जो है वो है कोकोनट कडंग कडंग वायरॉइड डिसीज़। इस डिसीज़ में जो हमारा कोकोनट ट्री है उसका ग्रोथ रुक जाएगा। सेकेंड जो हमारे कोकोनट हैं उनका जो शेप है वो राउंड हो जाता है और वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि कोई चिड़िया अगर उस पर डंग अपना चोंच गड़ाए तो वो आसानी से कोकोनट के अंदर उसका चोंच जा सकता है। मतलब कि कोकोनट का जो फल है वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब होते जाता है और इसे कहा जाता है कोकोनट कडंग कडंग वायरॉइड डिसीज़। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कौन सा डिसीज़ होगा, तो वो है हमारा हीपेटाइटिस डी। ऐसा माना जाता है कि इंसानों में जो हीपेटाइटिस डी है वो भी वायरॉइड की वजह से होता है। बट यहाँ पे पूरी तरह से
ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका है, श्योर नहीं है कि इसी के वजह से ही होता है। अभी भी कई रिसर्च इस पे हो रहे हैं कि क्या एक्चुअल में हिपेटाइटिस डी जो है वो वायरॉइड की वजह से होता है, बट लगभग थोड़ी थोड़ी थोड़े तरीके से ऐसा माना जा चुका है कि हिपेटाइटिस डी जो है वो वायरॉइड की वजह से होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा वायरॉइड है जो कि केवल एक आरएनए का राउंड शेप में पाया जाता है, वो हमारे प्लांट के अंदर कैसे इंटर करता है और कैसे अपना जो रेप्लिकेशन है वो करता है। सबसे पहले तो जो वायरॉइड है वो सेल वॉल से होते हुए प्लांट के अंदर जाएगा और एक सेल को पकड़ेगा। सेल के अंदर ये अपना जो रेप्लिकेशन है वो या तो क्लोरोप्लास्ट में करेगा या फिर न्यूक्लियस में करेगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस दो जगह वायरॉइड के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इनको यहाँ पे रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई वायरॉइड जो है वो प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है, वहाँ से अब ये न्यूक्लियस में पहुँच जाता है। न्यूक्लियस में पहुँचते ही अपना कॉपी बनाते जाएगा, रेप्लिकेट होते जाएगा आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। और इस जगह पे अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये स्पिंडल फॉर्म में होता है, लॉन्ग होता है। यहाँ पे जब अपना कॉपी ये बना लेता है तब यहाँ पे एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है लाइगेस। और ये जो लाइगेस है अब क्या करते हैं, ये जो स्टैंड फॉर्म में है लंबे हमारे वायरॉइड हैं उनको फिर से राउंड फॉर्म में यहाँ पे बना देते हैं या उनको राउंड कर देते हैं। अब एक हमारा वायरॉइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर गया था वहाँ पे ये रेप्लिकेट होकर बहुत सारे वायरॉइड में बदल जाता है और अपना रेप्लिकेशन पूरा कर लेता है। यहाँ पे हमने देख तो लिया कि वायरॉइड जो हैं वो न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही अपना क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। बट अभी तक ये इंश्योर नहीं हो पाया यहाँ पर कि ये डिसीज़ कैसे कॉज करते हैं किसी भी प्लांट में। ये क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट हैं उनके न्यूक्लियस में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कि प्लांट को क्रिटिकल कंडीशन हार्श कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वायरॉइड होते हैं वो इन जीन को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं और जीन का जो फंक्शन है उसको रोक देते हैं। तो ये जो जीन का कार्य है वो रुक जाता है, वो अपना काम करना मतलब कि प्लांट को हार्श कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जो क्षमता है उसको करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे जो प्लांट हैं वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं क्रिटिकल कंडीशन में। और कई लक्षण जैसे कि प्लांट का ग्रोथ रुकना, उनके फल का अच्छे से ना होना, पत्तियों का यहाँ पे अच्छे से ना बढ़ना, ये सब लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं, मतलब कि वायरॉइड डिसीज़ के जो सिम्टम है वो दिखना चालू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अब देखा जाए कि वायरॉइड जो है वो डिसीज़ तो कॉज करते हैं प्लांट में, बट ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे जाएंगे ये भी देखना जरूरी है। जो वायरॉइड थे जो कि सेल के अंदर रेप्लिकेट हुए थे अब वो पॉलन और ओव्यूल के अंदर भी इंटर कर जाते हैं, जो कि हमारा प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट होता है, जिसकी वजह से आगे फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं और उस सीड से क्या बनता है, ट्री बनता है। तो हमारे जो वायरॉइड हैं वो पॉलन और ओव्यूल में इंटर कर जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे ये सीड में भी चले जाएंगे। ओव्यूल और पॉलन से जब सीड बनेगा तो वो सीड में भी इंटर कर जाएंगे। अब इस सीड को जिसमें कि वायरॉइड है उसको अगर आप जर्मिनेट करते हैं, उसको अगर आप मिट्टी में डालते हैं और कुछ समय बाद जब न्यू प्लांट यहाँ पे बन के तैयार होगा तो वो न्यू प्लांट में भी जो वायरॉइड है वो पहुँच चुके हैं और इन न्यू प्लांट में भी ये सारे जो डिसीज़ हैं जो कि वायरॉइड से होते हैं वो दिखाई देने चालू हो जाएंगे। सेकेंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वायरॉइड जो हैं वो मशीनों से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखेंगे फार्म में, खेत में ट्रैक्टर
और दूसरे जो हमारे कृषि से संबंधित मशीन है उसका यूज़ करते हैं। इन मशीनों में जो वायरॉइड हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, किसी भी प्लांट के अगर संपर्क में वो मशीन आता है और वहाँ से अब ये दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंसेक्ट की हेल्प से भी वायरॉइड जो हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकता है। तो इस प्रकार से वायरॉइड का ट्रांसमिशन अगर देखें तो तीन टाइप से हो जाते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। वायरॉइड जो होते हैं उनमें जो आरएनए पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं, राउंड होते हैं, स्क्वायर होते हैं या फिर हेक्सागोनल होते हैं। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हमें और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो लाइक प्लीज़ ही कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।